एक छोटी सी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। टर्की नाम का एनिमल है जो अपने बच्चों को रिकनाइज तभी करता है जब वो उसकी साउंड में मतलब वॉइस में बात करता है, मतलब जो भी उनकी चेंचे की आवाज है, जो भी उनकी साउंड है उसमें अगर वो बोलता है तो ही अपने बच्चों को पहचानती है वो, ठीक है, नहीं तो नहीं पहचानती, नहीं तो वो सोचती है कि अननोन है कोई, फिर इसको अटैक करो इसके ऊपर। तो हाँ, ये तो जब वो अपने बच्चों को रिकनाइज करती है तब उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक एनिमल होता है कैट टाइप ही, ठीक है, जब उसको देखती है तो उसे देखती अटैक करती है, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको डिफाइन की, जब इन्होंने साइंटिस्ट ने इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, ऐसे एक स्टफ सेम टू सेम बनाया, ठीक है, जब इसके सामने इसको भेजा गया तो तुरंत इसको देखते ही अटैक करने लगे। ये स्टफ इन्होंने बनाया, टॉय टाइप में इन्होंने साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है, उनके सामने जब रखा टर्की एनिमल के सामने तो तुरंत अटैक किया, ठीक है, आपको तो पता ही है वो अटैक करेगी, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा एडजस्टमेंट इसमें कर दिया, इन्होंने इस जो इसके बच्चे की आवाज इसके अंदर में रिकॉर्डर के टाइप में फीड कर दी। जब इसमें फीड करी तो बिल्कुल ही हैरान वाली बात यह है कि उसको देखते उसको अटैक नहीं किया, उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी। तो ये चीज हमें सिखाते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, मतलब जिस हिसाब से हम दिखते हैं या फिर जिस हिसाब से हम बात करते हैं तो दूसरे लोगों पर काफी इफेक्ट डालते हैं। तो इसी से हम कैसे दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो पीछे मैंने पांच चीजें लिख रखी है, उस चीजों को और मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट में मैंने क्या है कि प्रॉक्सिटी, इससे क्या होता है कि आप जैसे कि आपको दिवाली हो गई है, एक तो कुछ गिफ्ट मिलते हैं तो आप भी सोचते हैं कि हाँ यार मुझे भी कुछ इसके टेबल में देना चाहिए, तो आपको भी ऐसे ही बनना है कि आपको किसी को गिफ्ट प्रोवाइड करना है उसके जगह, फिर वो अट्रैक्ट हो गया आपके तरफ कि हाँ इन्होंने मुझे अपने जो भी खुशी है उसमें इन्वाइट किया है और मुझे अपना फैमिली का पार्ट या अपना कुछ समझा है, इस वजह से वो भी आपको फिर उसके फेवर में कुछ रिटर्न गिफ्ट या फिर आपके कभी भी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, कंसिस्टेंसी। इसमें आप लोगों को क्या होता है कंसिस्टेंसी में, जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है कि ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, जब हम उसको बोलते तो वो फिर उससे अपने आप को फील भी करने लगता, फिर वो सोचता कि हाँ मैं ये इंटेलिजेंट हूँ, फिर वो उसको पर्सनैलिटी को मान लेता है उस हिसाब से। जैसे कि आपकी कोई तारीफ करता है या कोई कहता है आप बहुत ही ज्यादा बहादुर हो या फिर आप डरते तो हो नहीं, तो फिर वो उसको चीज को प्रूव करने के लिए वो चीज फिर वो उसके अंदर नेचुरली आ जाती है बोलने पर। तो आपको भी ऐसे किसी दूसरे लोगों को अप्रिशिएट भी करना है, उसके जो भी हर चीज आपको लगे तो अप्रिशिएट करने से वो आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होता है इजिली तरीके से। तीसरी की बात कर लेते हैं, सोशल प्रूफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप दो जगह खाना खाने जाते हैं, ठीक है, ठीक है, एक जगह पे आपको भीड़ दिखती है, एक जगह पे ज्यादा भीड़ नहीं रहती कम होगी, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ऑफकोर्स जहाँ पे भीड़ ज्यादा होगी वहां पे आप जाना पसंद करेंगे। तो इससे हमको दिखता है कि ये हमारे अंदर नेचुरल ही है, जहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे उस हिसाब से हम वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात कर लेता हूँ, लिंकिंग की बात कर लेता हूँ। लिंकिंग से क्या लगता है ना कि लिंकिंग मतलब हम अपने आप को किसी से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि किसी को बोलने का बिहेवियर बिल्कुल समझ एक सोल्जर का है, जैसे बोलता है तुम ये काम मत करो ये करो, ऐसे डिसिप्लिन बात करो तो आपको भी उसी की इंटीमेट करना है, उसी की तरफ बात करनी है, तो ऐसे भी नहीं करना कि जैसे लगे कि वो जब हम उसकी नकल कर रहे हैं, तो जब वो अपने सिमिलर पर्सन को एक साथ देखता है तो फिर वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक लिंकिंग प्रोसेस ये चीज होती है, इससे आप जल्दी से अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी लोग। और लास्ट की बात करते हैं सेक्रेसिटी, सेक्रेसिटी में मैं आपको बता देता हूँ कि इसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, डायमंड, और डायमंड की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों और सब लोग इसे चाहते क्यों, क्योंकि इसकी बहुत कम लिमिटेड है, मतलब बहुत कम है वो, और एज कम्पेरिजन में डायमंड्स के शेयर में अलग दूसरे भी स्टोन्स की बात करें तो बहुत से ज्यादा अच्छे दिखते हैं और बढ़िया भी है, तो फिर लोग डायमंड के पीछे क्योंकि उसके बहुत कम है। तो इससे ये डिफाइन होता है कि जितना ज्यादा आप अटेंशन किसी चीज को देते हैं, ठीक है,
वो फिर उसी हिसाब से कम होती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप जितनी इम्पोर्टेंस कम देंगे, मतलब इम्पोर्टेंस मतलब काम को इम्पोर्टेंस तो दे, लेकिन जैसे कि लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब थोड़ा अपने में कंट्रोल रखिए। हाँ पे कि रेडी मत रहिए कि जब उसने बुलाया तो तुरंत उसके पास जाना, थोड़ा टाइम देखिए, मतलब दिखाना कि हाँ आपके टाइम वैल्यू है और आप अपने हिसाब से चलते हैं। तो जिस चीज की ज्यादा कमी रहेगी वो ज्यादा को उतने ज्यादा पसंद किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी जो है आप क्लिंगी टाइप में मतलब दे, मतलब चेक टाइप में मतलब दे, ठीक है लिमिट में रहिए, कितना टाइम है स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद वहां से कर लीजिए। मतलब आपको पता ही होगा कि ज्यादा किसी को भाव देने से उसके भाव बढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपने साथ भी कीजिए, थोड़ा भाव रखिए अपने पास, एटीट्यूड रखिए, ठीक है, उसी हिसाब से काम कीजिए। 5 चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी लोग को, किसी भी चीज को नहीं, किसी भी लोग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनैलिटी अपने हैबिट में लाइए, ठीक, बहुत आपको फायदा। अंत में आप लोगों से कहता हूँ इजाजत, और नई वीडियो के साथ दोबारा लौटूंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।